गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे गाइज। फिर मैं आपके लिए एक ब्लॉग लेके आई हूँ, आई एम परनीता ब्लॉग। गाइज आज मैं आपको रिका वैक्स फेस पे कैसे होती है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी। उनके कितने हेयर हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्या क्या चीज़ चाहिए होती है वैक्स के अंदर ये भी मैं दिखाऊंगी। गाइज ये रिका वैक्स है और इससे मैंने पूरे फेस पे किया, उनके फोरहेड पे नहीं किया, और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर बेल आइकन जरूर दबाना। गाइज मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं और कि फेशियल के लिए वीडियो डालो, अभी थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं लग रहा, मैं इसीलिए अपलोड नहीं कर पा रही, थोड़ी नेट की भी इशू चल रही है, इसीलिए मैं शॉर्ट डालती हूँ, ऐसे ही डाल देती हूँ, पार्लर में आती हूँ, बट पूरा टाइम नहीं दे पा रही। गाइज रिका वैक्स फेस पे कैसे कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर बेल आइकन जरूर दबाया करो गाइज, कुछ तो आगे और सपोर्ट करो, थोड़ा सा और रह गया है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। ओके गाइज, और गाइज मैं एक बात और बताती हूँ आपको, जो ये रिका वैक्स होती है बहुत हार्ड होती है, और आपको ये जिस डायरेक्शन में आप लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में आपको स्ट्रिप खींचनी है। बहुत ये सेंसिटिव वैक्स होती है, बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, यूज़फुल। और आपको कहीं आप वैक्स हेयर पे कराते हो कहीं अच्छी जगह ही कराना, क्योंकि कई कई दिक्कत भी कर जाती है वैक्स, तो बड़े जो ट्रेंड हो उनके पास ही कराना गाइज वैक्स। और आपकी ये नॉर्मल वैक्स भी आती है, बीन वैक्स भी आती है, अलग अलग आती है, हर एक फेस के लिए आप अलग कर सकते हो। तो आप वैक्स का ध्यान रखना गाइज, अच्छी जगह से ही कराना, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे आपको टैल्क लगाना है, क्या लगाना है। और इस वैक्स को पानी से वॉश नहीं करते हैं, इसको कोकोनट ऑयल से मतलब लगा के इसको ऑयल कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं 1 से 2 मिनट। किसी को गाइज रेड हो जाता है या दाने निकल जाते हैं, कुछ भी निकल जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, उसको आधे घंटे के लिए आप छोड़ दो ऐसे ही। आधे घंटे बाद आपको ठंडे पानी से या आइस से आपको फेस वॉश कर लो, फिर वो नॉर्मल हो जाएंगे। और दूसरी खासियत ये है, रिका वैक्स कराने के बाद आपको कभी भी 2 दिन तक या 1 दिन तक आपको फेस पे कुछ नहीं लगाना है गाइज। इस तरीके से ये इस वैक्स का प्रोसीजर है, और आप मैं आपको नॉर्मल वैक्स भी आपको दिखाऊंगी, क्या उसमें दिक्कत होती है, क्या रिका वैक्स में, क्या वीन वैक्स में अलग अलग आती है। ये स्ट्रिप वाली थी, ये मैंने स्ट्रिप वाली की थी, और इसमें विदाउट स्ट्रिप भी आती है गाइज, वो मेरे पास अभी थी नहीं, तो मैंने इसलिए इनको ये वाली वैक्स करके दी थी। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, ग्रोथ भी काफ़ी दिन में आती है, ये हैंड्स पे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो बहुत अच्छे से और ध्यान से करनी है गाइज, इसी तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। ओके गाइज बाय। मुझे लगा वीडियो चल रही है।
हुआ। देख लो कोई कमी पेशी है, अभी कर देती हूँ एक मिनट। नहीं नहीं इस वैक्स से नहीं आएंगे, इस वैक्स से नहीं। इनके भी तो बहुत ग्रोथ थी।